हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी गोश्त। इसके लिए भिंडी ली, गोश्त, पांच छोटी प्याज़ें, दो बड़े टमाटर, दो चम्मच दही, ये भिंडी हैं, दो चम्मच अदरक लहसुन, पानी और नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये सब इसमें डलेगा। कुकर में हमने कबीर में तेल ले लिया, तीन कबीर। ये फ्रेंच फ्राइज़ का बचा हुआ सही रहता है, इसमें भी तीन चम्मच तेल डाल दिया। और आधा चम्मच हम इस पैन में ले लेंगे, इसमें हम भिंडियाँ फ्राई करने डाल देंगे। इससे भिंडियों का चिपचिपापन ख़त्म हो जाता है और सालन लुआबदार नहीं बनता ज़्यादा। इसे 5 से 10 मिनट हल्की आंच पे पकाना है। अब इस तेल में हमने ये प्याज काटी है, डाल दी, मोटी मोटी प्याज काटी है, इसमें बारीक प्याज नहीं, सब घुल जाएगा। गोश्त डाल दिया, 12-15 बोट हुए हैं, दो टमाटर डाल दिए, आधा कप पानी ताकि नीचे लगे ना हो, दो चम्मच अदरक लहसुन, एक दो चम्मच नमक, दो छोटे चम्मच नमक, डेढ़ चम्मच छोटे मिर्च, पिसी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, धनिया हमारा दो चम्मच छोटे, दो चम्मच। इसको अच्छी तरह से चला दें। अब ये दो चम्मच दही भी डाल देंगे। सीटी लगा दें कुकर की, एक सीटी के बाद 10 मिनट या 3-4 सीटियाँ, गोश्त गल जाएगा। अब जो है ये हमने सीटी खोल कुकर खोला है, तो देखिए इतना पानी है, इसे हम भूनेंगे 5 से 10 मिनट भूनने में, ताकि पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और तेल ऊपर आ जाए। अब इसमें हम भिंडियाँ डालकर भूनते रहेंगे, ताकि भिंडी भी सालन में रच बस जाए और उसे अलग से गलाना भी थोड़ा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आधी गली भी तो है ही। इसे 10 से 15 मिनट भून लीजिए, जब तक पानी खुश्क हो जाए, तेल ऊपर आ जाए। ये देखिए, ये भून गया पूरा, पानी खुश्क हो गया, तेल ऊपर आ गया है। अब आप इसमें अपनी मर्जी से जितना पानी चाहें डाल सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी रखनी है। मैं इसमें 1 बड़ा कप डाल रही हूँ पानी, और इसे 5 मिनट पानी के साथ पकाना है हल्की आंच पर। इसे ढकना नहीं है, ढकने से भिंडी में चिपचिपाहट आ जाती है। देखिए ये तैयार भिंडी गोश्त है, इसमें मैंने 4 हरी मिर्चें डाल ली थी। आप इसे हरे धनिए से सजा के सर्व करें।